फिश तो हर किसी की फेवरेट होती है, तो आज मैं लेके आया हूँ फिश रेसिपी यानी कि फिश फ्राई रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी बनाने की। फिश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फिश ले लिया, इसे अच्छे से कट करके अच्छे से हमने धो लिया है। इस फिश फ्राई रेसिपी के लिए आप कोई भी फिश ले सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे एक नींबू का रस, पूरे एक नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच डालेंगे लहसुन पेस्ट, एक चम्मच डालेंगे अदरक पेस्ट, एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, एक चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला, पिंच ऑफ तंदूरी फूड कलर, 2 चम्मच डालेंगे बेसन और 2 चम्मच डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को हम अच्छे से फिश में लगा देंगे। अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसे मैरिनेट करने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुकी है, अब हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। उसमें डाल देंगे हम फिश। फिश को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। पहले हम इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, फिर इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद हम इसे घुमा देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए फिश हमारी बिल्कुल बढ़िया फ्राई हो रही है, एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। इसी स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर, उसका ऊपर का लेयर इतना बढ़िया आया है। सारी फिश हम निकाल लेंगे। तो फिश फ्राई हमारी बिल्कुल ही रेडी है। दिखने में ये जितनी अच्छी लग रही है उसका टेस्ट इतना ही बढ़िया आता है। तो इसको मैंने सर्व करने के लिए केले के पत्ते का यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने इसको सर्व किया है। तो देखिए फ्रेंड्स आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी से एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।